हेलो जी, वेलकम बैक टू द वीडियो। बस वीडियो के साथ तो आज वाली वीडियो में हम दोबारा से खेलेंगे माइनक्राफ्ट जी। आज ऐसा आप लोगों को तो पता नहीं कि मैंने क्या गेम खेलनी है, आपका मुझे भी पता, आप लोगों को पता है मैं क्यों गेम खेलनी है। माइनक्राफ्ट खेलेंगे, जैसा कि आप लोग सबको पता है कि मैंने पिछली वाली वीडियो के अंदर एक मिनट ठहरो जरा, जिसने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी ना वो पहले जाके पिछली वाली वीडियो देखे, नहीं तो मैंने नहीं ये वाली दिखानी, जाओ पहले देख के आओ। चलिए जो देखने का इनको देखने, तो अभी हम लोग इस बारे में डिस्कस करते हैं जिन्होंने देखी है ना वो आज मेरे साथ, हम लोग इस बारे में डिस्कस करते हैं कि हमने क्या क्या किया था, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आप लोगों को पता कि एनिमल ले आया था, अब उनके खाने का इंतजाम कर रहा हूँ। उसके हम देखते हैं कि आप लोग देख सकते हैं हेबल वगैरह सारी मेरे पास थी, क्योंकि मैं विलेज गया हुआ था। सबसे पहले तो मैं अपने खाने का भी इंतजाम कर रहा था, 45 ब्रेड हो गई है, ठीक है। और मैंने एक स्टैक रखा था, वो किधर है किधर यार, ये क्या बात हुई। चलो हेबल था उनका आने, फिर ये क्या बात हुई यार, वो मैंने रखा तो था यहीं पर। अच्छा वो है मेरे हाथ में, ठीक है, दूसरे हाथ में था, ठीक है, ओके ओके, कोई नहीं। 64 वो है मेरे पास, कुछ आलू भी पड़े हुए हैं, लेकिन वीट जो है ना वो थोड़े थे, लेकिन मुर्गियाँ भी हमारी बहुत थोड़ी हैं, तो वो बढ़िया हो ही नहीं, लेकिन पता नहीं उनका क्या मतलब, छोड़ो इस चीज़ को। अभी हम लोग ना आलू खिला देंगे पियाजी को, और वीट खिला देंगे शीप और काउस को, और शीप से फिर से हम फ़ायदा उठाएंगे आयरन ला के। लेकिन आयरन आज वाली वीडियो में लाएंगे, लेकिन अभी तो नहीं फ़ायदा उठा सकते, जब आयरन आएंगे तब तब देखी जाएगी। अभी जल्दी से चलते हैं उधर जाके ना, मैं आप लोग दिखाता हूँ मेरे पास कौन कौन से और कितने कितने अच्छे एनिमल। पहले सबसे पहले तो अपने हेडफोन्स पकड़ लूँ, हाँ चलो जी हेडफोन पकड़ लिया। अब दोबारा से करते हैं शुरू इस वीडियो को, ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं एक बच्चा है, दो बड़े हैं, इनको भी खिला देते हैं, इनका भी यही हिसाब है, दो बच्चे, एक बच्चा है दो बड़े हैं, इनको भी खिला देते हैं। और यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे फुल मौज मस्ती लगी हुई इनकी, ये बहुत सारे पी आई जी यहाँ पे, इनको अच्छा सा खाना खिला देते ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और ज़्यादा हो जाए। और जब हमारे पास हेबल ख़त्म हो जाए तो हमें कोई इतना मसला ना, और हम इनका खाना यूज़ कर सकें, मतलब चिकन वगैरह या पोर्क चॉप वगैरह खा सकें, तो ये ईजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि खेत पता नहीं कब बने कब ना बने, हो सकता है वो वैसे भी मैं विलेजर्स के लिए यूज़ कर छोड़ूँ डील करने के लिए। तो हाँ विलेजर से याद है, आज ना विलेजर्स का जो घर है ना उसकी मैं बेस भी आप लोगों को दिखाता हूँ, जो मैंने ईद गिद से बैकग्राउंड में आया था। तो ये सो के तो उठ गए माइनक्राफ्ट में, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये देख सकते हो, जैसे कि आप लोग मैंने ना ये बेस बनाई थी विलेजर्स के घर की, जो बहुत बड़ी बेस है, जैसे कि देख सकते हैं मैंने बस ऊपर ऊपर से मैंने सारा उसको मार्क कर दिया था, ताकि कोई मसला ना हो मुझे बाद में। तो अभी इसको ना थोड़ा थोड़ा करके हमें कम्प्लीट करना है, क्योंकि इस तरह तो नहीं चलेगा काम कि हम कम्प्लीट ही नहीं कर रहे इसको, उसको हम बिल्कुल ही भूल गए हैं। लेकिन आज वाली वीडियो में हम लोग उसको थोड़ा थोड़ा करके कम्प्लीट करना शुरू करेंगे। उसकी फ्लोरिंग होनी है, लकड़ियाँ लगनी है, इधर भी लकड़ियाँ लगनी है, बड़ा प्यारा सा ये वीआईपी सा घर का होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा भी कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसा ऐसा करके इसको कंप्लीट करते जाएंगे। अभी जल्दी से टूल पूरे करते हैं, उसको ना शुरू करते हैं, और मैं यहाँ से फिर से वो हर दफ़ा की तरह टाइम लैप्स ही चलाऊँगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को मसला ना हो रहा, तो देख इसको काम को, तो जल्दी जल्दी इस काम को करते हैं, जितना होता है मैं कर लूँगा, बाकी छोड़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। ऐसा ऐसा हर वीडियो में करके किसी दिन तो कम्प्लीट होगा ना, और उसके बाद फिर हम लोगों ने लेने जाना आयरन, ठीक है, काम बहुत ज़रूरी है, जल्दी से इस काम को करते हैं, फिर आयरन लेने चलते हैं। तो यार फाइनली जैसे कि अगर देख सकते हो कि मैंने ना वो जो था ना घर उनका काफ़ी हद तक कम्प्लीट कर दिया, खुली थी यहाँ पर काफ़ी हद तक जगह हो गई, लेकिन अभी बहुत सारा पड़ा था यहाँ पे, जल्दी से ऐसा करते हैं बोर्ड लगा देते हैं, ठीक है ना। तो अब जल्दी से बोर्ड लगाते हैं, बोर्ड लगनी नहीं यार, एक ब्लॉक ऊपर चढ़ना ही पड़ेगा, ठहरो ये चलो जी यहाँ चढ़ जाते हैं, और चढ़ के ना ऐसा करते हैं इधर बोर्ड, यार क्या हो रहा है ये, चलो जी ये किधर लग गई है, और ये विलेजर ने भी निकला ना इसी पर बैठ कर, मसला बन जाएगा हमारे लिए। जल्दी से ऐसे करते हैं, अगर ये विलेजर यहाँ पे बैठ गए और रात को हमें ना पता चला, और रात को आगे जूमी ने मार दिया लाख समझ जानी, चलो जी पानी बोट भी लग गई मारी। अब हम चलते हैं यहाँ से दोबारा, क्या है जी बोट में ऐसा नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल ही किनारे पे नहीं है, थोड़ी आगे ज़्यादा हो गई है यार, अभी ये क्या बकवास है, मुझे इसी चीज़ से चिड़ चढ़ती है फिर भी। मैं चलो ज़रा कोशिश करते हैं दोबारा से, हो सकता है हो जाए, तो ऐसे हो गया, चलो 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 पीछे 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 चल जी, डन हो गया काम। अब हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं, अब हम लोग चलते हैं सीधा सीधा आयरन लेने, और आयरन लेने के बाद हम लोग आराम से अपने सारे बाकी काम करेंगे, लेकिन सबसे पहले आयरन तो ले गए, अभी देखते हैं बाकी काम भी, खेत भी देखो कितने प्यारे तरीके से बन रहे हैं। तो अब जल्दी से ऐसा करते हैं मैं सामान अपना छोड़ लेता हूँ, और इनको भी ना थोड़ी सी वॉक करवा देते हैं, हमारे साथ साथ चलेंगे ना थोड़ा सा ठीक हो जाएंगे, और इनको भी रास्ते में छोड़ जाएंगे, जाने से पहले छोड़ देंगे केव में, था केव में जाने से पहले इनको छोड़ देंगे घर में, ताकि ये ना हो कि आउट बेचारे मार मुझे, इनका नाम भी रखना है अगर नेम टैग मिला कहीं से। तो जल्दी से ऐसा करते हैं बस सबसे पहले सामान रख लेते हैं। तो यार अपने दोनों डॉग्स को मैंने नीचे रख दिया, वो देखो बैठे हैं सुकून से, घर के बाहर दरवाजे भी घर के मैंने बंद कर दिया, अब निकलते हैं केव के लिए, कोई और मसला नहीं है हमें, अब जल्दी से केव के लिए चलते हैं और जाके देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है वहाँ से। अभी एक केव मिली तो है, लेकिन यहाँ पर कोल शोल ही मिली जा रहा है, आयरन ही मिल रहा है, इसके अभी और डीप भी चलते हैं, यहाँ पर एक रास्ता है जो अंदर को जा रहा है काफ़ी ज़्यादा केव के, वहाँ चलते हैं, और अंधेरा भी वहाँ पर बहुत है, लेकिन मेरे पास टॉर्च ही शुक्र है, शुक्र में लेके आया था, और वैसे भी कोल भी हैं, स्टिक भी, लकड़ी भी, क्राफ्टिंग टेबल सब कुछ हम लेके आए थे।
अकल के साथ हम लोग खेल रहे हैं। अभी ये देखो ये वाला रास्ता ना, यहाँ चलते हैं, ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। हो सकता है यहाँ पे आयरन मिल जाए, अंधेरा बहुत। तो चलो जी लाइट करो, आयरन ढूंढते हैं और फिर जल्दी जल्दी आयरन लेके ना घर चलते हैं। मैंने एक आर्मर भी बनाना है और कुछ आयरन एक्स्ट्रा लेना, ताकि हम लोग टूल या जो भी हीयर वगैरह बना सकें। आर्मर सबसे पहले बनाना है और एक शील्ड भी बनानी है, क्योंकि उसके बगैर यहाँ पे माइनक्राफ्ट में बार बार फिर आउट होता है बंदा, वो बड़ा अजीब लगता है। तो जल्दी से ऐसा करते हैं, आगे चलते हैं। आगे एक और रास्ता खुल गया केव का, ठीक है, केव से केव कनेक्ट हुई जा रही है। तो अभी सबसे पहले पीछे वाली टॉर्चेस उतारते हैं अपनी, ताकि टॉर्चेस आया ना हो हमारी, जो पीछे लगाई थी वो काम ही नहीं है अब। तो अब आगे चलते हैं, ये वाला रास्ता, इस रास्ते में देखते हैं क्या पता आयरन मिल जाए। तो यार अभी ना यहाँ पे ज़ोंबीज़ की बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, मैं ऐसा ना क्यों नहीं सोचा क्यों ना क्या ये क्या पता यहाँ पे भी एक और ज़ोंबीज़ स्पॉनर मिल जाए। हो सकता है मिल जाए, लेकिन देखते हैं कि मिलता भी है कि नहीं। लेकिन हमने जो एक्सपी फार्म बनाना है वो तुम्हारे घर के पास एक एक्सपी वो ज़ोंबी फार्म है, एक्सपी फार्म है, ज़ोंबी स्पॉनर है। हाँ ज़ोंबी स्पॉनर है जी, बस ज़ोंबी स्पॉनर ही है। टॉर्च लगा दिए, ठहर जाओ, इसको यूज़ कर दो तेरी। ये बच्चा यार, बच्चे बहुत गंदे होते हैं यार, ये बच्चा बहुत बुरा मार है अभी। ओ यार दो आ जा रहे हैं। ओ यार शिट यार, मेरा स्पॉनर किधर था? शुक्र 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 स्पॉन पॉइंट उधर ही। सोचा सबसे पहले रात को ज़ोंबीज़ आएंगे और उन्होंने इतना को ज़्यादा तंग करा, फ़ौरन वहाँ पर चलते हैं दोबारा से। इससे पहले मेरे सर तीनों घूम जाएंगे, जल्दी जल्दी चलते हैं। मुझे थोड़ा थोड़ा रास्ता याद है, मैं बाहर की तरफ ही आ रहा था आयरन लेके, लेकिन बीच में ही हादसा हो गया। लेकिन कोई मसला नहीं, अभी चलते हैं जल्दी से जाके देखते हैं क्या पता मेरा सामान हमें वापस मिल मिले। ये फाइनली आफ्टर आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोगों को अपना सामान मिल गया। लॉन्ग टाइम दर्शन जिस बटन कौन सी सदियाँ गुजर गई। छोड़ो मेरा दिमाग थोड़ा, मैं बताया ना ख़राब है दिमाग में, थोड़ा सा ढीला हुआ है। छोटी सी चीज़ को भी हम गन पड़ो, और एक नेम टैग भी मुझे लगता है मिल गया यार। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल नेम टैग नहीं मिला यार। ओ मिल गया मिल गया, यही है यही है, देखा ना मिल गया। मैं कह रहा था मैंने एक टेस्ट खोली थी उसमें था, लेकिन मैंने लिया ही नहीं था यार, मुझे लग रहा था। और है शुक्र नेम टैग मिल गया, एक डॉग के लिए तो मिल गया हमारा, वो जो डॉग दो है ना उनके लिए एक में से एक का तो मिल गया। बाकी अब हम लोग चलते हैं यहीं से ऊपर, नहीं ऊपर नहीं, यहाँ से चलेंगे हम लोग यहाँ पर मार्क लगा के ना डेट के, यहाँ से वापस चलेंगे, ताकि हमें अगर ये स्पॉनर की ज़रूरत पड़ती है यहाँ या इस केव की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये केव बहुत बड़ी, मैंने ज़्यादा खास लूटी नहीं। मैं वापस घर जा रहा हूँ, क्योंकि अब आप जैसे देख सकते हो 26 आयरन तो हो गया। अब 27 22 का तो मेरे ख्याल से आर्मर बनता है, बाकी जो 5-6 बच जाएंगे पीछे, दो घर में भी पड़े हैं 8-10 जो बच जाएंगे उनको हम बाकी चीज़ों में यूज़ कर लेंगे। इतना कोई इशू आई नहीं, आयरन खुला डुल्ला आ गया, बाकी बाद में फिर लेते रहेंगे। अभी ऐसा करते हैं वापस चलते हैं यहाँ से, ठीक है, यहीं से। ये देखो ऐसे ऐसे मार्क लगा के ना चलते हैं हम लोग जल्दी से, ठीक है। ये ऐसे मार्क इधर मार्क उधर मार्क, सारे मार्क लगा के जल्दी से जल्दी हम लोग वापस घर चलते हैं। अभी हम लोग घर आ गए, फाइनली फाइनली घर आ गए। मैंने गोल्डन एप्पल भी खा लिया था, पता नहीं क्यों खा लिया, लेकिन खा लिया था। मेरा दिल का आया था, मैं खा के देखें क्या था, दो थे एक रह गए मेरे पास। तो अब मैं ना मुझे लगता है इस वीडियो को घंटे यहीं पर एंड। अभी आयरन रखते हैं पगलाने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग इस आयरन को यूज़ करेंगे, आर्मर बनाएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर चीज़ लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करना। अगर आप लोग इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा कर देते हैं और कोई बात बुरी लगी है तो कमेंट करके बताना ज़रूर। और इस वर्ल्ड में मैं और क्या क्या चेंज लाऊँ और क्या क्या चीज़ें बनाऊँ वो भी बता देना। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, इतना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।